अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ये नहीं करने देता। अगर ऐसा है तो तुमने झूठ क्यों बोला? भले ही तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन हमारी दोस्ती कम नहीं होगी। जितने समय के लिए मालिक शहर से बाहर है, तुम यहाँ रह सकते हो। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उससे अपनी निगाहें नहीं हटा पाया। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इट अपीयर्स दैट या फिर इट सीम्स दैट, इसका मतलब होता है कि ऐसा लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है या फिर ऐसा महसूस होता है। तो जैसे एग्जांपल्स हैं, ऐसा लगता है कि बारिश नहीं रुकेगी। इट सीम्स दैट रेन विल नॉट स्टॉप। इट सीम्स दैट रेन विल नॉट स्टॉप। मुझे ऐसा लगा कि वह रोने वाली थी। इट सीम्ड टू मी दैट शी वॉज अबाउट टू वीप। ये पास्ट का है सेंटेंस, तो पास्ट का सेंटेंस के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। इट सीम्ड टू मी दैट शी वॉज अबाउट टू वीप। ऐसा लगा कि वो तुम्हें थप्पड़ मार देगा। इट सीम्ड दैट ही वुड स्लैप यू। इट सीम्ड दैट ही वुड स्लैप यू इफ़ आई हैव माई वे। इसका मतलब होता है कि अगर मेरा बस चले या फिर अगर मेरा बस चलता है, कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। जैसे अगर मेरा बस चले तो मैं उसे सारे संसार की खुशियाँ दे दूँ। इफ़ आई हैव माई वे सो आई विल प्रोवाइड हर द प्लेजर ऑफ होल वर्ल्ड। इफ़ आई हैव माई वे सो आई विल प्रोवाइड हर द प्लेजर ऑफ होल वर्ल्ड। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर ना जाने दूँ। इफ़ आई हैव माई वे आई विल नॉट लेट हर गो अवे फ्रॉम मी इवन फॉर अ मोमेंट। इफ़ आई हैव माई वे आई विल नॉट लेट हर गो अवे फ्रॉम मी इवन फॉर अ मोमेंट। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ये नहीं करने देता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट लेट हिम डू इट। If I had my way, I would not let him do it. अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उसे बाहर नहीं जाने देते। If you had your way, you would not let him go out. If you had your way, you would not let him go out. Even if, इसका मतलब होता है भले ही या फिर यद्यपि, कुछ भी बोल सकते हो। कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस आप बना सकते हो, जैसे भले ही तुम कहीं भी चले जाओ लेकिन हमारी दोस्ती कम नहीं होगी। इवन इफ़ यू गो एनीवेयर वी विल नॉट हैव वीक बॉन्ड इन अ फ्रेंडशिप। इवन इफ़ यू गो एनीवेयर वी विल नॉट हैव वीक बॉन्ड इन अ फ्रेंडशिप। भले ही तुम मुझे जान से मार दो लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। Even if you kill me, but I will not do this work. Even if you kill me, but I'll not do this work. In order to, मतलब किसी चीज़ के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए कुछ करने के लिए, इस सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। हमें अपने उद्देश्य को पाने के लिए अपने आलस से छुटकारा पाना पड़ेगा। We need to get rid of our laziness in order to achieve our goals. We need to get rid of our laziness in order to achieve our goals. हमें अच्छे अंकों की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। We need to study hard in order to get good marks. We need to study hard in order to get good marks. आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर आप अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए। इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कांट टेक माई आइज़ ऑफ समथिंग या फिर समबडी, इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्सन से अपने निगाहें नहीं हटा पाना या फिर किसी चीज़ से अपनी निगाहें नहीं हटा पाना, उसको देखते ही रह जाना। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उससे अपनी निगाहें नहीं हटा पाया। When I saw her for the first time, I could not take my eyes off her. When I saw her for the first time, I could not take my eyes off her. तुम्हारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मैं उससे अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा हूँ या फिर मैं उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा हूँ। Your child is so adorable, I'm not able to take my eyes off that. Your child is so adorable, I'm not able to take my eyes off that. Alive with,
एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है वो किसी चीज़ से भरा हुआ है, उसके अंदर कोई चीज़ है वो बहुत भरपूर मात्रा में भरी हुई है। बस सवारियों से बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, या फिर बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। बस वॉज अलाइव विद पैसेंजर्स, बस वॉज अलाइव विद पैसेंजर्स। दिल्ली में अस्पताल मरीजों से भरा हुआ था, द हॉस्पिटल इज़ अलाइव विद पेशेंट्स इन दिल्ली, द हॉस्पिटल इज़ अलाइव विद पेशेंट्स इन दिल्ली। इफ सो, इसका मतलब होता है कि अगर ऐसा है तो कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस आप बना सकते हो, जैसे अगर ऐसा है तो तुमने झूठ क्यों बोला, इफ सो व्हाई डिड यू टेल अ लाई, इफ सो व्हाई डिड यू टेल अ लाई। अगर ऐसा है तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, इफ सो यू शुड नॉट मैरी हर, इफ सो यू शुड नॉट मैरी हर। सो लॉन्ग, मतलब जितनी देर, कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस आप बना सकते हो, जैसे जितनी देर वो घर से बाहर है मुझसे बात कर लो, टॉक टू मी सो लॉन्ग हिज आउट ऑफ द हाउस, टॉक टू मी सो लॉन्ग हिज आउट ऑफ द हाउस। जितने समय के लिए मालिक शहर से बाहर है तुम यहाँ रह सकते हो, यू कैन स्टे हियर सो लॉन्ग ओनर इज़ आउट ऑफ द सिटी, यू कैन स्टे हियर सो लॉन्ग ओनर इज़ आउट ऑफ द सिटी। इन टर्म्स ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के मामले में, किसी पर्सन के मामले में, किसी के उद्देश्य से या फिर किसी के हिसाब से। होटल खाने के मामले में बढ़िया था, या फिर होटल खाने के हिसाब से बढ़िया था। होटल वॉज गुड इन टर्म्स ऑफ फूड, होटल वॉज गुड इन टर्म्स ऑफ फूड। वो खाना बनाने के मामले में बढ़िया है, शी इज़ प्रोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कुकिंग, शी इज़ प्रोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कुकिंग। इट इज़ ईजी या फिर इट इज़ हार्ड, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो इट इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन सेंसेस में बना सकते हो, जैसे उसके लिए इस छोटी सी पेंशन में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू लिव ऑन दिस स्मॉल पेंशन, या फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू लिव ऑन दिस स्मॉल पेंशन। तुम्हारे लिए किसी को भी उल्लू बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, इट्स सो ईजी फॉर यू टू फूल एनी वन, इट्स सो ईजी फॉर यू टू फूल एनी वन।